पता है क्या हुआ, क्योंकि मेरी 2 दिन पहले तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी गर्मी की वजह से, तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा पानी पीने का कहा हुआ था और अल्लाह का शुक्र मैं पानी बहुत पी रही थी। तो वैसे जब मैं रोज़ा रखती थी पहला रोज़ा ना, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, तो अब वो ज़ाहिर है चाय भी थोड़ी कम कर दी थी, पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले रही थी, तो आज जब रोज़ा रखा तो अल्लाह का शुक्र है मतलब मेरी उस तरह सर में दर्द नहीं हुई, वरना अभी तक सर में दर्द हो जाती है। बच्चे जो हैं उन्होंने अभी मोबाइल वगैरह ऑन कर लिया है, नमाज अल्लाह का शुक्र है सुबह से टाइम पे हो रही है, और अभी मैं किचन में जा रही हूँ कुकिंग के लिए, साथ उज़्मा भी मेरी हेल्प कराएगी, तो बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी बैठ के मुझे कहते हैं मामा ये बनाना है ये बनाना है, तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले काम स्टार्ट किया था मैंने बिरयानी से, आज चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बन गई थी क्योंकि पहले ज़ाहिर इफ्तारी थी, तो वो इसके लिए ज़रा शौक में भी मुझे भी बहुत था, तो बस मैंने ज़्यादा ही चीज़ें बना दी थी। यहाँ पे बिरयानी का मसाला जो था वो बन गया था, लेकिन उसको दम वगैरह मैंने राइस का लगाया, और उसके बाद मैंने इसकी रेसिपी आपके लिए शूट कर ली थी चाट की। अच्छा ये चनों का चाट है, और ब्लैक चने मैंने घर में बॉईल करके रखे होते हैं, 3 से 4 नॉर्मल मीडियम जो साइज़ के हैं ना एप्पल्स, वो कट करके मैंने ये देखे बॉल में डाले हैं। और इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है ना मेरी सिस्टर के चैनल नासरा के चैनल के ऊपर ऑलरेडी है। बहुत बारीक से प्याज हैं कटे हुए, एक दरमियानी साइज़ का प्याज, और चने आप कह लें 2 कप या 1 कप जो आपकी मर्जी है, इतने आप बॉयल कर लें। बिल्कुल एक मीडियम साइज़ का जो टोमेटो है वो कटा हुआ इस तरह वो ऐड किया है, और 2 जो हैं वो इसमें पोटैटो यानी कि आलू जो है वो कट करके इस तरह आपने, मैंने पहले इनको मिक्स किया अच्छी तरह, और बनाना यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे ये होता है कि बनाना बहुत ज़्यादा ना उसमें मिक्स हो जाए, मतलब बिल्कुल मिक्स ही ना हो जाए ना फ्रूट के अंदर। इसके बाद ये इमली सॉस यानी इमली की चटनी जो है ये मैंने कुछ दिन पहले बना ली थी आप लोगों के साथ, प्रिपरेशन मैंने शेयर की थी उसमें ही, अब वो 2 बड़े स्पून जो है ना 3 बल्कि कर ले वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। अब ये हाफ मैंने पहले स्पून इसमें चाट मसाले की डाली, थोड़ी सी मैंने और ऐड कर ली क्योंकि चटनी में ज़्यादा नहीं थी। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना मैंने लास्ट में जो ना बनाना इसमें ऐड करने हैं, और ये आप देखें इन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ज़ाहिर है वो इसमें स्पाइसेस वगैरह या चाट मसाला है, तो फ्रूट्स का भी अभी पानी और निकलेगा। थोड़ी सी ग्रीन चिली आप देख लें, थोड़ी सी ज़्यादा कट हो गई थी तो मैंने कहा साथ में, क्योंकि मैंने भी कढ़ाई भी बनानी थी, तो मैंने कहा बाकी टोमेटो और ये चीज़ें मैं उसमें ऐड कर लूँगी। बिल्कुल इतनी सी ग्रीन चिली अच्छे तरीके से मैंने इसमें मिक्स की, और जनाब इसके बाद मैंने लास्ट में जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब मैं इसमें बनाना ऐड करूँगी, ताकि ना वो बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, क्योंकि पहले वाली जो चीज़ें हैं वो पता है आपको इतनी वो जल्दी से मिक्स नहीं होती। अब आप देखें इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करना है, और इसको मैंने बना के सबसे पहले फ्रिज में रख देना ताकि मैं चाट वाले ना किससे से फारिग हो जाऊँ। ये देख ले माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी चाट जो थी ना वो बनी थी। मुझे थोड़ा मसालों का था, ज़ाहिर है सबका रोज़ा था, मेरा भी रोज़ा था, और ये चटनी के जो पैकेट मैंने बनाए हुए थे वो फिर मैंने उसमें डाले, मैंने कहा चटनी उसमें से सारी लग गई थी जिसमें चटनी वो डाली थी उस कंटेनर में, मैंने फिर वो 2 पैकेट्स डाले। यहाँ पर मैंने दम जो था वो उतारा था बिरयानी का, ये देखिए बिरयानी मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लजीज बिरयानी, और मुझे पता है मेरे बच्चे और हस्बैंड को सिर्फ मेरी कुकिंग ही अच्छी लगती है। और ये देखें आप बिरयानी, एक एक राइस होता है, और राइस भी हम साल के जो है ना मैं इकट्ठे अबू ले आते हैं तो इकट्ठे ही हम राइस मंगा के रख लेते हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई शुरू कर दी थी, मुझे ये था थोड़ी सी अभी लग जाएगी, और सुबह सहरी के टाइम भी बच्चे ज़ाहिर पराठों के साथ ले लेंगे, और उसके लिए बस ऑयल लेकर उसमें अच्छी तरह चिकन को वॉश करके सबसे पहले मैंने चिकन उसमें डाला, और साथ साथ मैं यहाँ पे बिरयानी के जो राइस थे उनको भी मिक्स कर रही थी। और फिर मैंने कहा इनको एक तो हम मिक्स करके कवर कर दूँ, और अच्छी तरह जब आपका चिकन फ्राई हो जाए आपने चूल्हा बस तेज़ रखना है ताकि ना चिकन अपना पानी नहीं छोड़े, मतलब उसको पानी छोड़े बगैर ना आपने इसको फ्राई करना है। बस यहाँ पे देख लें चिकन थोड़ा सा मेरा फ्राई हो गया, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे पता है कढ़ाई बनाने के बहुत तरीके हैं, जब मेरे पास भी टाइम होता है ना फिर मैं भी बड़ी तरीके मतलब करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा थी और मेरा अपना भी रोज़ा था तो मैं बस काम ना ख़त्म करने के चक्करों में थी। 1 से 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है आपने इसमें, मैं तो इसमें यही करती हूँ क्योंकि मुझे इसका ज़ायका बहुत अच्छा लगता है, और यकीन करें इस मिर्चों से ना आप अगर सालन में भी ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा जायका आपके सालन का होता है। उसके बाद लहसुन अदरक जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने वैसे तो मैं इसे डबल क्वांटिटी डालती हूँ लहसुन अदरक की, लेकिन रमज़ान में हमेशा स्पाइसेस और इन चीज़ों का ना मैं थोड़ा सा हाथ हल्का कर देती हूँ ताकि ना प्यास ना लगे खाने के बाद। अब ये टोमेटोज़ कम अज़ कम 6 से 8 थे मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे टमाटर, टमाटर भी इतने महंगे हो गए हैं जब से कसम से मैं परसों गई मैं हैरान हो गई कीमत सुन के, तो शुक्र है मैंने कोई 10-15 केजी लेके फ्रीज़ कर लिए थे,
और निकलता फिर भी एक हफ्ते ही है उनके साथ। अब उसके ऊपर हाफ स्पून मैंने हल्दी की डाल दी, वो मुझे भूल गया था, हालांकि आप ना टमाटर डालने से पहले बेशक डाल दें। अब इसको मैंने हल्का सा बस कवर किया था कि इसे बॉयल आ जाए, वरना मैंने इसे कवर नहीं करना क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा चिकन पानी छोड़ देगा और ये ड्राई नहीं होगी, और ये ना हो के चिकन टूट जाए। वैसे टूटता नहीं क्योंकि फ्राई हो गया, तो फ्राई होने के बाद चिकन जो है ना वो टूटता नहीं है। तो गार्निश इसे करने के लिए और सेट करने के लिए जनाब एक अनियन, ग्रीन चिली और जिंजर जो है वो मैंने काट लिया। साथ मैंने पकौड़ों का सामान बना लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को हर हाल में इफ्तारी के टाइम पकौड़े चाहिए होते हैं। और पकौड़ों की बहुत नॉर्मल सी रेसिपी जो आपको बहुत इजीली मिल जाती है, एक दो बस पोटैटो हैं, पालक है, ग्रीन चिली है, प्याज है, उसमें मसाले वही जो नॉर्मल से होते हैं, बस वो करके इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं रख लूँगी क्योंकि उनको ना इसी तरह के मिक्स भी हैं, वैसे सेपरेट भी वो जो गोल करके करते हैं वो भी इंशाल्लाह बनाऊँगी। वैसे वो सब खा लेते हैं, ये भी शौक से खाते हैं और वो भी, लेकिन बच्चे शौक से नहीं मेरे पकौड़े खाते, इवन कि वो जहरी शाम कभी कभी ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े से नगेट साथ में फ्राई किए थे। मैंने कहा आज पहला रोज़ है तो चलो आज उनकी भी बात सुन लेती हूँ, बच्चे कब के पूछ रहे थे, तो मैंने साथ ही मैं नगेट्स भी फ्राई कर रही थी और इधर कढ़ाई बन रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह के आज रोज़े का मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं पानी 2-3 दिनों का बहुत ज़्यादा पी रही थी, वरना मुझे सिर्फ रोज़े के हालत में ना प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। यहाँ पे मैंने पकोड़ा का सामान रख लिया, नगेट्स जो थे वो साथ फ्राई हो गए थे वो मैंने कर रही थी, और साथ साथ मैं मैर से बातें कर रही थी और जहर शाम बस अपने ही बाहर लगे हुए थे। उसमें थी साथ मेरे वो काम करवा रही थी, और मैर को मैंने कहा था कि आके ना थोड़ी सी ना मेरे ना मतलब क्लिप शूट कर लो क्योंकि फिर सब पूछते भी हैं, रेसिपीज़ भी आप लोग पूछते हो, तो वो जल्दी में क्योंकि ज़ाहिर है मैं काम करती हूँ, मैं कुकिंग का काम बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि भाई शूटिंग पर फिर बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा वो साथ में मैं, अच्छा मेरी हमेशा ये आदत है कि सर्विंग के लिए जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना कवर करने वाले, मैं इस तरह के रखती हूँ जिनमें ना, ताकि ना डाइनिंग टेबल पे ना कुछ घंटों के लिए रे, बाद में मैं आप लोगों को बल्कि दिखाती हूँ कि वो किस लिए। ये मैं कंटेनर्स पहले ही ले आई थी, और ये देखें इस तरह निकाल के एक में मैंने नगेट्स रखे हैं, साथ साथ मैं कढ़ाई को भी देख रही हूँ, साथ फ्राई भी कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बंदे की तबीयत ठीक होना तो काम तो बस चुटकियों में हो जाता है, फिर माओ नहीं करने होते हैं ये काम जब 3 बच्चों के रोज़े हों, हालाँकि ना सिर्फ का और मुझे अपने रोज़े की तो होती ही कोई नहीं है। पता नहीं अब कल से मैर ने बल्कि कॉलेज भी जाना है सुबह रोज़ा रख के, तो मुझे उसकी भी है कि भाई रोज़े में कैसे जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब उनका 1 o'clock तक टाइम हो गया तो जल्दी आ जाएगा। मैं उसे वही कह रही थी कि बस कॉलेज से आकर ना तो सीधा सो जाना। अब देख लें यहाँ पे अच्छी तरह, जब टोमेटो जो है मुझे लगा कि हाँ इतनी मुझे ग्रेवी चाहिए, वो ड्राई हो रहे हैं, तो फ्राई मैंने पहले ही ज़ाहिर चिकन अच्छे तरीके से कर लिया था, तो अब यहाँ पे मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर, और बस हल्का सा मैंने इसे मिक्स करना है। अनियन को कोई से पकाना आपने नहीं है क्योंकि ये दम के ऊपर जितना मैंने मतलब ना इनको नरम करना है ना वो खुद ही हो जाएगा। और इसको ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया जनाब ग्रीन चिली और जिंजर से, ये देख लें। इसको बस हल्का सा ऐसे ऊपर ही रख के, बल्कि बिल्कुल डिम मैंने यहाँ पे हीट जो है वो फ्लेम जो है अपना डिम कर दिया, और उसको मैंने कवर कर दिया 2-3 मिनट्स के लिए। पकौड़े जो हैं वो मैंने जनाब यहाँ से निकाल लिए हैं, और अब मैं दोबारा उसमें डाल रही हूँ, बस इतने ही मैंने टाइम के लिए ना बस उस कढ़ाई को ना कवर करके रखना है। अब ये जो पकौड़े रह गए थे, क्योंकि एक दो वर्कर्स भी होते हैं हमारे घर में, उनकी भी इफ्तारी साथ में देनी होती है, तो वो मैं साथ में बना रही हूँ। अच्छा दूसरे वाला जो बॉक्स था उसमें अब ये मैं पकोड़े रख रही हूँ। पकोड़ों को मैं फ़ौरन से कवर कर देती हूँ, तो उस तरह वो ना थोड़ी स्टीम बन के ना वो बड़े अच्छे सॉफ्ट से बन जाते हैं, हो जाते हैं। पता नहीं हस्बैंड को और मुझे तो ना थोड़े सॉफ्ट में ही पकोड़े अच्छे लगते हैं। अब ये जनाब मेरी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब आती हूँ जनाब ये वाली वो डिश है कि जो माशाल्लाह रमज़ान में आप लोगों को पता है मेरे बच्चे तो सबसे पहले कहते हैं कि मामा कब बनाना है रूह अफ़ज़ा। अब इनको जाके नाम आया, पहले शिकंजबी बड़ी स्टाइल से बोलते थे। अच्छा मैं अब किस तरीके से बनाती हूँ कि एक तो शक्कर माशाल्लाह खुली 5 से 10 kg रमज़ान में मैं लेकर आ जाती हूँ, शुगर वाइट शुगर से कभी भी नहीं बनाई। उसके बाद उसमें मैंने टैंग डालना होता है लेमन वाला। अब ये मैंने बनाने हैं क्योंकि 3 जग का मैंने हिसाब रखा होता है, तो 3 से 4 जो पौवे का साइज़ है ना जो है उसका मैंने शक्कर ली, फिर मैंने 1 से 2 जो हैं वो टैंग का लिया बड़े चम्मच। अब फिर मैंने वो लिया रूह अफ़ज़ा या जामिश्री जो भी हो वो आप ऐड कर लिए, और उसके बाद ये लेमन का जूस मैंने आप लोगों को रमज़ान प्रिपरेशन में ही दिखाया था, ये जनाब इतना। अब ये मैं कहती हूँ कम से कम ना 10 से 20 नींबू का ये जूस होगा,
ये जितना मैंने इसमें मतलब ऐड किया, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे मेरा ये होता है कि बच्चे ना ही खाएँ ये नमक वाली चीज़ें ये वो। और ये ठंडा, बिल्कुल यक ठंडा ये, बल्कि सुबह ना मैंने बोतलें भर के ना फ्रीज़र में रखती थी, वो ठंडा पानी था, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि माशाल्लाह से ना ये ठंडा ही अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे पता था अभी तकरीबन 15-20 मिनट हैं इफ्तारी में, और बस फिर ये जल्दी जल्दी रखा डाइनिंग टेबल पे। और आपको पता है सबका रोज़ा था, कोई वो उस तरह शूट करने को, मैंने उमर को कहा बस एक दो शॉट ले लो, तो माशाल्लाह बच्चे अपनी अपनी बस लेना शुरू हो गए थे। और तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट बस इफ्तार को रह गए थे, तो शाम बस वज़ू करके आ रहा था, बच्चे वज़ू करके ही आते हैं सारे बैठ के, तो बस अब इफ्तार हो गई है यहाँ पर। तो अल्लाह का शुक्र है करोड़ बार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सारा दिन गुजरा। अल्लाह बस कबूल फरमाए हमारे रोज़े, करोड़ बार रब का शुक्र है इस हर नेमत का जो रब की ज़ात पाक ने हमें दी है। और बस मेरी रब से यही दुआ है कि अल्लाह की ज़ात पाक इसी तरह हर औरत का जो दस्तरखान है ना, वो इसी तरह सजा रहे, आबाद रहे। और हस्बैंड नमाज़ के लिए चले गए हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी अभी। रखना अच्छा, हमारी शुरू से ही आदत है कि खाना मैं साथ रख देती हूँ, ताकि अगर किसी को भी ज़्यादा भूख हो तो वो साथ ही ले ले और मैं भी एक दफ़ा फारिग हो जाऊँ। तो अभी देख लें, बच्चों ने ना वैसे थोड़े नगेट्स और फ्रूट चाट ही ज़्यादा खाया है, उस जहर ने खाना लिया था, वही वाली बात है ना जिसे ज़्यादा भूख हो और उमर ने। लेकिन माशाल्लाह अजान होती गई है तो मस्जिद चले गए हैं, मतलब अब यहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं डोंगों को कवर करके ना खाना मैं यहाँ पे रखूँगी, साफ़ साथ में मैं साफ़ प्लेट्स भी रख दूँगी, ठीक है, ताकि जो भी मस्जिद से फिर नमाज़ पढ़ के आएगा, जिसने खाना लेना होगा वो ले लेगा। साथ ही अभी मैं नमाज़ पढ़ के जनाब चाय भी रखने लगी हूँ, तो चाय बना के तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ज़ाहिर मेरे बच्चे कुछ लेना है, तो बच्चे आ गए माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के, तीनों चाय भी बन रही है अब साथ। अब जिस जिसने अब ये देखे, मेरी बस ऐसी आदत है अब खाना, जिसने अगर माइक्रोवेव करना है गर्म कर लेगा और मैं भी बस अपना फ्री हो जाऊँगी। खाना यहाँ पे हर चीज़ पड़ी होगी डिस्पेंस। ज़ाहिर साहब ने आते ही अपना काम भी शुरू कर दिया और मैं अब थोड़ी देर बैठूँगी। सारे मुझे कह रहे थे कि आप ही वीडियो में ना टीटू को भी दिखाया करें, तो टीटू है हमारा यहाँ पे, ये देखिए निकी मिसाज हो रहे, बस कर दो ज़ाहिर की। और सुबह मैं जितनी देर सारी बनाती रही हूँ ना, ये ना साथ रहा है मेरे और मुझे देखता रहा, पता नहीं सारी करते ही मैंने इवन कि बस वो पिया था अश्कंजवीन ही पी थी, उसके बाद से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, हल्के हल्के से चक्कर ही आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि काम भी था काफ़ी ज़्यादा। तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह रोज़े को कबूल व मंजूर फरमाए, कल के रोज़े की तौफीक दे सबसे पहले, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों ने ज़रूर करना है, और इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द होने शुरू हो गया, तो मैं आराम करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।